रजिस्टर टू में आप अपना जमीन कैसे देखेंगे, आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। आप यहां पे देख सकते हैं पंजी दो लिखा हुआ है। देखिए अभी बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और आपके बाप दादाओं के नाम से जो जमीन है उसका कागजात आपके पास नहीं है तो आप रजिस्टर टू से भी निकाल सकते हैं या पंजी दो से भी आप अपना जमीन का कागजात निकाल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। पुराने से पुराने जमीन का आप रजिस्टर टू से कागजात निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। देखिए बिहार जमीन सर्वे 2024 से संबंधित मैं आपको छोटी बड़ी सभी अपडेट बताता रहा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम जो है ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में। आप कंप्यूटर में भी गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं और यहां पे आपको टाइप करना है गूगल क्रोम में बिहार लैंड रिकॉर्ड। जो हम टाइप कर रहे हैं वही आपको टाइप करना है बिहार लैंड रिकॉर्ड। तो इस तरह से टाइप करने के बाद आप इसे सर्च कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं। जो पहला वेबसाइट खुलेगा बिहार भूमि का, तो वही आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए लैंड रिकॉर्ड बिहार, तो इस वाले वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है जो पहले पे आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो इसको आप थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भू लगान है और भू मानचित्र है, तो आपको यहाँ पे भू मानचित्र पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे भू मानचित्र पे क्लिक कर देते हैं। बिहार में भी जमीन सर्वे जो है जोरों शोरों से चल रहा है, तो जो सरकारी वेबसाइट है उस पर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा लोग आके विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे नया पेज आ चुका है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो मोबाइल नंबर कोई भी आप इंटर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर को इंटर कर देंगे। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर देते हैं। और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से इंटर कीजिएगा, अगर गलत इंटर कीजिएगा तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को इंटर कर दिए। इसके बाद सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से देखिए लोडिंग हो रहा है। जब तक ये लोडिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक यहाँ पे आपका ओटीपी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओटीपी आ चुका है, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा गया है। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ओटीपी आएगा जैसा कि देख सकते हैं, और यही ओटीपी यहाँ पे हमको इंटर करना है। तो चलिए ओटीपी को हम नोट कर लिए, और नोट करने के बाद यहाँ पे ओटीपी को इंटर कर देंगे। बिल्कुल आप ओटीपी को सही सही इंटर करेंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं ओटीपी इंटर, उस तरह से यहाँ पे ओटीपी इंटर करने के बाद एक बार फिर से आप वेरीफाई कर लेंगे क्या सच में वही ओटीपी था। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो स्लो चलेगा थोड़ा सा आपका वेबसाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का एक पूरा फॉर्म निकल के आ गया है, तो इस फॉर्म को हम भरेंगे और आप भी देख लीजिएगा किस तरह से भरा जाता है, तब आप अपने जमीन का खतियान निकाल पाएंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका आ चुका है, फॉर्म के साथ ही आपको अलग से मोबाइल नंबर नहीं देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, आपका अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नाम में आप अपने लास्ट नेम को इंटर करेंगे, जैसे मेरा नाम है मिथुन और लास्ट नेम में कुमार आ जाएगा, आपका भी इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को यहाँ पे हम इंटर कर देंगे, आप भी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको अपना जिला यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं तो आप अपने जिले का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए आप अपना जिला का नाम यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, तो सभी जिला यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जिला पे सिलेक्ट कर देते हैं जिस जिले में हम रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक इंटर करना है या अंचल यहाँ पे इंटर करना है, तो यहाँ पे आप अपना ब्लॉक इंटर कर लीजिए, तो आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना विलेज का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हम अपना विलेज का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आप अपना टाइप करेंगे, जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है उसका नाम यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप कर देंगे इसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, तो आप अपना पिन कोड डालेंगे, किसी दूसरे का नहीं डालेंगे। फॉर्म को पूरा भरने के बाद आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना गांव का नाम, आप अपना डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, नाम आप चेक कर लेंगे क्या ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से आप चेक कर लीजिए,
इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ये वेबसाइट जो है स्लो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भी ट्रैफिक है, बिहार में सर्वे चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इस पेज को जूम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बटन है ओके का, तो यहाँ पे ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा। तो इस पेज को थोड़ा सा आप जूम कर लेंगे, तो चलिए हम भी जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। जो आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। अभी आप जो रजिस्ट्रेशन किए हैं जिस मोबाइल नंबर से वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुली, तो फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है। लॉगिन जब आप करेंगे तो आपसे OTP मांगा जाएगा। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस पेज को चलिए हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो जो अभी आप मोबाइल नंबर दिए हैं उसी मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। OTP को यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। जैसे ही आप OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा आपके सामने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज को हम आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर टू कैसे देखना है, रजिस्टर टू में अपना जमीन कैसे देखना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप पे आपको क्लिक कर देना है, तभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद ये जो जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको इस पेज को स्क्रॉल अप करते जाइए, ऊपर करते जाइए, इस पेज को और आप ऊपर कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है जमाबंदी पंजी, तो यहाँ पे देख सकते हैं जमाबंदी पंजी मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप जमाबंदी पंजी पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं ये जो लोडिंग हो रहा है इसको आप समाप्त होने दीजिएगा, तभी आपका रजिस्टर टू आप देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब तक ये लोडिंग समाप्त नहीं होगा तब तक यहाँ पे ऑफिस नेम में यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑफिस नेम में नाम आना जरूरी है ऑटोमेटिक। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट था पिछले वीडियो में, यहाँ पे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने एक बार अच्छे से देख लिया है। तो यहाँ पे आपको जिस भी जिले से आप रहते हैं सभी जिले का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पे खगड़िया जिला का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे खगड़िया जिला का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खगड़िया जिला का भी ऑप्शन है। उसके बाद चलिए हम अपना जिला को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका जिला है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद लोडिंग होने दीजिएगा। जैसे ही लोडिंग हो जाता है इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल अप करके अंचल का नाम यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट आपको कर लेना है। तो जो भी आपका अंचल है तो उसका नाम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लोडिंग होने दीजिएगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मौजा का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मौजा पे क्लिक करेंगे अर्थात आपको गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी गांव है उस गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे थाना नंबर बोला जा रहा है भरने के लिए, इसको छोड़ दीजिए। खाता नंबर बोला जा रहा है, खेसरा नंबर बोला जा रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो इस पेज को थोड़ा सा आप साइड कीजिए, यहाँ पे आपको सर्च वाला बटन दिखेगा। इस तरह से आप साइड करेंगे तो यहाँ पे सर्च वाला बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में ये जो आपको दिख रहा है ये लोड होने दीजिएगा पेज को। जैसे ही नया पेज आता है फिर से हम आपको एक बार जूम करके दिखाते हैं, यहीं से आप रजिस्टर टू को देख पाइएगा और रजिस्टर टू में अपना जमीन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पूरे गांव का भी जमीन देख सकते हैं, उसमें अपना ढूंढ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे गांव का आपका जमीन का रजिस्टर टू निकल चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा साइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपको रजिस्टर टू डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ पे अपने गांव का डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप अपना जमीन का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा आप सभी में चेक करके देखिएगा, अपना जमीन का डिटेल्स मिल जाएगा। तो ऊपर वाले पीडीएफ में हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो अभी जमीन का सर्वे चल रहा है बिहार में, तो यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, लोग ज्यादा विजिट कर रहे हैं, रजिस्टर टू में अपना जमीन देख रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे आपको यह पेज खुलने में लेट भी लग सकता है, तो यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, आपका जमीन निकल जाएगा। तो जब तक यहाँ पे पेज को पूरा ओपन नहीं हो जाए तब तक इस पेज को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेब कॉपी, तो यहाँ पे आपका एक डिजिटल कॉपी निकल चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल भी है, ऊपर में देखिए मोहर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजी दो निकल चुका है और यहाँ पे रजिस्टर दो इसी को बोलते हैं। इसमें आप क्या करना है, आपको ध्यान से एकदम बारीकी से आपको यहाँ पे आपका जो बाप दादा का नाम है उसको यहाँ पे देखना है ध्यान से, और यहाँ पे आपका जमीन का डिटेल्स निकाल लेना है। अगर आपको एक पीडीएफ में अपना जमीन का डिटेल्स नहीं निकलता है तो आप दूसरे पीडीएफ को भी खोल के यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजी दो है, रजिस्टर टू है, तो यहाँ पे आपको जो है सभी जानकारी मिल जाएगा, गांव का नाम, कितना रकबा है, किसके नाम पे जमीन है, तो सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको यह पीडीएफ में सेव करना है तो यूआरएल पे क्लिक करेंगे और शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रिंट का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप पेज को निकालना चाहते हैं पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ बन जाएगा, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पीडीएफ यहाँ पे आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके फ़ोन में देख सकते हैं पीडीएफ भी सेव हो चुका है। आप उसको अच्छे से क्या करेंगे, आप देखिए आपका जमीन का सारा डिटेल्स निकल जाएगा। अगर एक पीडीएफ में नहीं निकलता है दूसरे पीडीएफ को ओपन कीजिए, कहीं ना कहीं जमीन का सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे रजिस्टर टू को देख सकते हैं, रजिस्टर टू को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना जमीन का सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं पंजी दो में। सर्वे से संबंधित जो भी नया नियम निकलता है, जो भी अपडेट आता है, तो मैं आपको इसी चैनल पे बता देता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पर सारा जानकारी मिल जाएगा, जैसे प्रपत्र दो कैसे भरते हैं, प्रपत्र तीन एक कैसे भरते हैं, वंशावली कैसे बनाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट डाला हुआ, आप जाके देख सकते हैं।